क्यों सनातन धर्म में सूर्य को जल देने की प्रथा है? क्या होता है सूर्य को जल देने से? सनातन धर्म में कहा जाता है कि जब हम नहा कर सुबह की धूप लेते हैं तो हमारा शरीर आसानी से विटामिन डी को ले पाता है, जिससे हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत होती है। परंतु अगर सुबह की धूप और हमारे बीच जल की धार हो तो जल की धार में इंद्रधनुष यानी रेम्बो के सातों रंग बन जाते हैं, और जब वह धूप हमारे शरीर पर पड़ती है यानी वह धूप जिस जिस शरीर के अंग पर पड़ेगी वह अंग शक्तिशाली, निरोग और सुंदर हो जाएगा। जैसे कि दिमाग पर पड़ने से दिमाग की शक्ति बढ़ जाएगी, आँखों पर पड़ने से देखने की शक्ति बढ़ जाएगी, नाक और कान पर पड़ने से सुनने और सूंघने की शक्ति बढ़ जाएगी, हमारा आलस्य दूर होगा। जब धूप गले और जवान पर पड़ेगी तो तोतलावापन खत्म हो जाएगा बच्चों का। इसके और भी कई फायदे हैं, और जितना पानी साफ होगा उतना अधिक फायदा होगा। इसीलिए सनातन धर्म में तांबे के बर्तन से जल डालने की प्रथा है।